सबसे पहले बड़ी खबर, सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन हो गया है। गोरखपीठ में सुबह 8 बजे जनता दर्शन कार्यक्रम में संभावित सीएम योगी का श्रीराम नवमी पर कन्या पूजन का अवसर भी है और गोरखनाथ मंदिर में सुबह 11 बजे करेंगे कन्या पूजन। दोपहर 12 बजे श्रीराम जन्मोत्सव ओपन थिएटर में शामिल भी होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाले सीएम योगी के, ये हम आपको बड़ी खबर के माध्यम से बता रखे हैं। आज तीसरा दिन हो चला है सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में और इसके साथ गोरखपीठ में सुबह 8 बजे जनता दर्शन कार्यक्रम भी संभावित है, उसमें भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि आज नवमी है और रामनवमी के नाम से भी इसे जाना जाता है और यही वजह है कि आज कन्या पूजन में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर अयोध्या से, जहां पर आज मनाया जाएगा राम जन्मोत्सव का मुख्य पर्व। आज दोपहर 12 बजे मनाया जाएगा राम जन्मोत्सव। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि की तर्ज पर ही मनेगी रामनवमी। पहली बार श्री रामलला विराजमान मंदिर से लाइव प्रसारण होगा। तो गोरखपुर मंदिर में सीएम योगी ने नवरात्र के मौके पर शक्ति साधना की और वासंतिक नवरात्र के मौके पर सीएम योगी ने माँ दुर्गा की आराधना की, हवन पूजन किया। बता दें कि सीएम योगी महाअष्टमी पर व्रत रखते हैं, विशेष पूजा भी करते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने भारत सेवा आश्रम में मां दुर्गा की विशेष पूजा की। उन्होंने आरती के बाद प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। देखें, गोरखपुर के भारत सेवा आश्रम पहुंचे सीएम योगी ने विधि विधान से मां दुर्गा की आराधना की। उन्होंने विशेष आरती के बाद प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उन्होंने प्रदेश वासियों को अष्टमी की बधाई दी। आप सबको महाअष्टमी और नवमी की पुण्यतिथि है, इस अवसर पर मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सीएम योगी ने कहा कि भारत सेवा आश्रम में आना सौभाग्य की बात है, वो 3 साल बाद यहाँ पहुँचे। आज हमारा सौभाग्य है कि हमें चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर फिर से इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। भारत सेवा आश्रम संघ केवल कर्मकांड पर विश्वास नहीं करता, बल्कि उसके व्यवहारिक स्वरूप पर भी पूरी मजबूती के साथ उसे अंगीकार भी करता है, उसका पालन भी करता है। गोरखपुर में सीएम योगी ने इससे पहले कई कार्यक्रमों में शिरकत की। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारत सेवा संघ आश्रम में आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ के बंगाली कम्युनिटी के जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी लोगों ने इनका स्वागत किया और साथ ही साथ यहाँ पे जितने बंगाली कम्युनिटी के लोग थे उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी संबोधन। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।